सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से या टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 37 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड में आएगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर हमने 50 डेज का मूविंग एवरेज लगाया है। आप देख सकते हैं जो स्टॉक का ट्रेंड था पहले तो वो पॉजिटिव साइड में देखने को मिला था, पर अभी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है 50 डेज का जो मूविंग एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है वो 41 रुपए 50 पैसे पे था, जो ग्रीन कलर की नेक लाइन देख रहे हैं। इस पॉइंट पर स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिला था। स्टॉक इस प्राइस को रीटेस्ट करता था और फिर से एक बाउंस बैक दिखाता हुआ नजर आ रहा था, पर जब स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक डाउन किया गया तो वहां पर जो बिकवाली है वो बढ़ चुकी है और स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर और ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट लेवल बनकर आ रहा है वो 35 रुपए 50 पैसे का, जो कि ग्रीन कलर की जो नीक लाइन देख रहे हैं। इस पॉइंट पर अब इस स्टॉक का दूसरा सपोर्ट लेवल हैगा। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिया से तो नीचे में 35 रुपए 50 पैसे के पास का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट की बात करें तो अराउंड 45 रुपए और सेकेंड टारगेट 58 रुपए के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। 58 रुपए स्टॉक का लाइफ टाइम हाई है, जो कि 52 वीक टॉप बना हुआ है। लगभग स्टॉक ने इस प्राइस को 3 से 4 बार रीटेस्ट किया है, पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर इस पॉइंट पर एक करेक्शन देखने को मिल चुकी है, पर अभी स्टॉक देखे तो उस प्राइस से काफी नीचे आएगा, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं। इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर स्टॉक 35 रुपीज से नीचे जाता है तो वहां पर एग्जिट करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि स्टॉक ऊपरी लेवल पर ऑलरेडी काफी बड़ी गिरावट दिखा चुका है।